के दर्शन तो मृत्यु के पश्चात होते हैं शोन। पुत्र शोन, ये राजभवन है, राजा का निवास और कार्यस्थल। कुरुओं के राजा यहां वास करते हैं। राजा इतने बड़े भवन में रहते हैं तो देवता कितने बड़े भवन में रहते होंगे ताऊ? उन्हीं बड़े भवनों की क्या आवश्यकता, जो अपने आकार से संतुष्ट नहीं होते वो बड़े भवन बनाते हैं। राजा का भवन राष्ट्र का सम्मान होता है, उसका विशाल होना ही आवश्यक है। प्राताश्री, बालकों को संतोष सिखाइए, संघर्ष नहीं। संतोष सिखाया नहीं जाता धीरथ, संतोष तो स्वयं हृदय में जन्म लेता है। पर तुम कहो तो मैं तुम्हारे पुत्रों को भय अवश्य सिखाऊंगा। भय को पालना नहीं, उसे मार गिराना चाहिए ताऊ। वाह वाह पुत्र, तुमने तो मुझे प्रसन्न कर दिया। तुम्हारा यही भय कुमार गिराने का स्वभाव तुम्हें दिव्य बनाता है। देखो, श्वान की ओर पत्थर फेंको तो श्वान पत्थर की ओर भौंकता है, परंतु सिंह की ओर पत्थर फेंको तो सिंह पत्थर फेंकने वाले पर कूदता है। और तुम वास्तव में सिंह हो। आज इस नगर को तुम देख रहे हो, शीघ्र ही ये सारा नगर तुम्हें देखेगा। नगर जन तुम्हें देखकर कहेंगे, देखो वो जा रहा है अधिरथ पुत्र कर्ण। अधिरथ पुत्र कर्ण, राधे कर्ण, राधे कर्ण। चले, अब हस्तिनापुर में प्रवेश लेने की अनुमति भी लेनी होगी हमें। तुम जाओ, मैं भुगत राम जाकर वृषभान से मिलूंगा। सूतों का वास वही है। Thank you.
पिता का हाथ पकड़ो, यहाँ बहुत लोग हैं, अन्यथा मार्ग से भटक जाओगे। सब में इतने विशाल होंगे? सुना नहीं था उन्हें क्या कहा था? छोटा आकार बड़ा भवन, तो छोटा आकार बड़ी प्रतिमा। हमारे शंकुप्रत गांव के बड़े चाचा जैसा, उनकी ऊंचाई तो केवल इतनी थी, उनका निवास इतना बड़ा। ये बढ़ई चाचा का तो निवास ही नहीं? नहीं, कोई बढ़ई, सूत सुतार या लोहार यहाँ निवास नहीं कर सकते। राजभवन में केवल क्षत्रिय ही निवास कर सकते हैं। किंतु कैसे जाना जा सकता है कि कौन सूत है और कौन क्षत्रिय? उनके मुख पर क्या कोई चिन्ह होता है? क्षत्रियों के मुख पर तेज होता है और उनके हाथों में शस्त्र होता है। तुम क्षत्रिय हो? नहीं, किंतु इस समय तो तुम भी क्षत्रिय नहीं। तुम्हारे हाथ में शस्त्र जो नहीं और मुख पर तेज भी नहीं, प्राताश्री। वैसे तुम दोनों कौन हो? पहले तो कभी नहीं देखा। तुम्हारा नाम क्या है? मैं हूँ शोन और ये मेरे प्राताश्री कर्ण। मेरा नाम सूचीपद है और मेरे पिता सेना नायक मदन जय की सेना में सैनिक हैं। तुम दोनों मदन जय महोदय को तो जानते हो ना? बहुत बड़े वीर हैं वो। अभी अभी आदिवन से 5 वनवासियों को बंदी बनाकर लाए हैं और गांधार के राजा शकुनी के हाथों उनका सम्मान होने वाला है। आदिवन, वहाँ के वनवासी तो पाताल में उतर गए। तुम किस प्रकार जानते हो? हम भी आदिवन से ही आ रहे हैं। वनवासियों ने हमें भी बंदी बना लिया था, किंतु हम मुक्त होकर आ गए। ओह,
तब तो तुमने मदन जय महोदय का पराक्रम तो देखा ही होगा। हमारे महाराज धृतराष्ट्र नेत्रहीन है ना, इसलिए मदन जय महोदय अपने पराक्रम के बारे में सुना रहे हैं उन्हें। चलिए भ्राता, हम भी सुनते हैं। नहीं सुन, सुन, माता ने साथ रहने को कहा है। विकराल था वो वन, आदिदेव की भव्य और भयानक मूर्ति बनी थी। बहुत बड़ी जीभ आदिदेव के मुख से बाहर आ रही थी। उस जीभ पर मनुष्य का मस्तक रखकर मनुष्यों का बलिदान दिया गया था। अनेक मनुष्यों के रक्त से समग्र परिसर लाल था। एक सूतों का परिवार बंदी बनकर डर से थरथरा रहा था। मैंने विचार किया कि हस्तिनापुर की महान सेना का सेनानायक सूत परिवार का रक्षण यदि नहीं कर पाए तो समाज हस्तिनापुर पर लाल छन लगाएगा महाराज। 500 से अधिक वनवासी थे वहां महाराज, किंतु आपकी कृपा और प्रेरणा से आपका ये सेवक भयभीत नहीं हुआ। मैंने उन्हीं का शस्त्र खींचकर भीषण युद्ध किया महाराज। किसने विक्षेप किया? क्षमा कर दीजिए महाराज, मेरा भाई कुछ अधिक हंसता है। किंतु तुम हंसे क्यों बालक? महामंत्री विदुर, जी महाराज, बालकों महारानी गांधारी ने तुमसे प्रश्न पूछा है, उत्तर दो।
तुम हंसे क्यों? क्षमा कीजिए महाराज, क्षमा कीजिए महारानी। ठहरिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.